क्वेश्चन नंबर वन देखो, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपसे हो जाएगा। चार्जिंग वाले केस के अंदर कुछ अलग करना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना। चार्जिंग वाला केस है, आपसे कह रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, एक 4 वोल्ट का सेल है, 4 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल है, तो मैं इसको सेल बना देता हूँ। लेट अस सपोज कि सेल ये है, देखो क्वेश्चन भी पढ़ना है और बनाना भी है। तो ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 ओम जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपसे कह रहा है इस कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, इस सेल को आपने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, डीसी सोर्स की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम। तो 5 ओम के रजिस्टर के साथ आपने एक डीसी सोर्स के साथ इसको जोड़ दिया, ये आपके पास एक डीसी सोर्स है। इस डीसी सोर्स की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, ठीक है। और रजिस्टर जो है ये कितना है जल्दी से बताओ, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है चार्जिंग। अब आप चार्ज कर रहे हो, तो जब चार्ज किया जाता है सेल को, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और निगेटिव टर्मिनल सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। उस केस में सेल को करंट दी जाती है, उस केस में सेल को करंट दी जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पर लगा हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 4 वोल्ट, अगर मैं नेट ईएमएफ की बात करूँ कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, पहले नेट ईएमएफ निकालो, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ की मदद से आप करंट निकालोगे, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। ऐसा क्यों, 6 वोल्ट, ऐसे क्यों, माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो ज़्यादा वोल्टेज वाली सोर्स है वो डोमिनेंट करेगा, तो ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, ये नेट ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर एक बैटरी है, इसका प्लस ये होता है, ये माइनस होता है, ये 2 वोल्ट की है, इससे एक दूसरी बैटरी कनेक्ट करोगे, प्लस माइनस ये 6 वोल्ट की है, तो टोटल वोल्टेज जो हो जाता है वो 8 वोल्ट हो जाता है। ये तब होता है जब एक बैटरी का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव जोड़ दिए जाएं, तब उस केस में वोल्टेज जो होती है वो घट जाती है, जो बड़ा वोल्टेज होता है वो छोटे वाले को अपने अंदर से कम करवा देता है। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ आ गया 6 वोल्ट का। अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है, जो चार्जिंग करंट है, क्या चार्जिंग करंट जो है उसको देखो जरा कितनी है, तो चार्जिंग करंट निकालने के लिए आपको नेट ईएमएफ ऊपर लिखना होगा और नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखना होगा। तो नेट ईएमएफ कितना आया आपके पास 6 वोल्ट का, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 5 ओम का रजिस्टर ये है और 1 ओम का रजिस्टर ये है, इन दोनों रजिस्टर के अलावा कोई तीसरा रजिस्टर इसके अंदर नहीं है, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम, तो 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। करंट क्या होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट आ गई, मतलब जो चार्जिंग करंट है वो 1 एम्पियर है। उस केस में आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा है ना, ईएमएफ तो 4 वोल्ट है, लेकिन टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आएगा, टर्मिनल का मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो आप लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जिसको आप कहते हो वी, ये वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब चार्जिंग का केस होता है तो E प्लस के आई आर हो जाता है, ये रीज़न मैंने आपको समझाया था, ये चार्जिंग का है। अगर डिस्चार्ज होता इट मीन्स बैटरी अपने अंदर से करंट निकाल रही होती तो E माइनस के आई आर हो जाता, लेकिन जब चार्जिंग हो रही है तो जब चार्जिंग हो रही है तो ये E प्लस के आई आर हो जाता है। किरचॉफ लॉ से भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो ईएमएफ कितना था 4 वोल्ट का, करंट कितनी आ रही है 1 एम्पियर की, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1 का, तो 4 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो 5 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा इसका नेट ईएमएफ, या फिर आप ये कह सकते हो, सॉरी नेट नहीं कहोगे, आप ये कहोगे टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये सीबीएसई पूछ चुकी है, इसको इग्नोर मत करना, ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। थैंक यू सो मच, अगर सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें फिर, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।